तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन सीना के नेक्स्ट ओपोनेंट की और द शील्ड के रिटर्न की, वो भी हील के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइज सबसे पहले बात करी जाए 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। तो गाइज जॉन सीना जो कि 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सुपर शोडाउन इवेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं, उनका ओपोनेंट दोस्तों आज तय हो चुका है। 6 अक्टूबर मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर दोस्तों ये इवेंट होगा, जहां वो फेस करेंगे केविन ओवेंस को। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना वर्सेस केविन ओवेंस। वहीं दोस्तों इसके मेन इवेंट में हमें लास्ट टाइम ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर देखने को मिलेगा, लेकिन जॉन सीना फेस करेंगे केविन ओवेंस को। लेकिन दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेन खबर की, जो कि जुड़ी हुई है द शील्ड के हील टर्न से। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि रोमन रेंस का जो हील टर्न है वो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा रूमर्ड है आप कह ले, कोई चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों वो क्यों रूमर्ड है, क्योंकि पॉल हेमन ने अपने इंटरव्यू में कहा था अनलेस, वो जो अनलेस है दोस्तों वो कई चीजों को यहां हवा दे रहा है। वैसी चीज एक और है, वो है द शील्ड का रिटर्न। तो गाइज द शील्ड का रिटर्न पहले से काफी ज्यादा रूमर्ड था, क्योंकि डीन एम्ब्रोज अपनी वापसी कर सकते हैं इस इवेंट के ऊपर, और देखा जाए तो सेथ रॉलिंस भी काफी अच्छा नहीं कर रहे हैं, काफी पिटाई खा रहे हैं डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर से। ऐसे में दोस्तों एक रिपोर्ट जो कि आज मुझे नजर आई, उसके अंदर मैंने जाना कि यहां दोस्तों एक और चीज एक्सपेक्टेड की जा रही है समर स्लैम से, और वो है द शील्ड का रिटर्न। और ये रिटर्न कोई आम रिटर्न नहीं होने वाला है, यहां द शील्ड हमें दिख सकती है बैड रूप में, यानी कि दोस्तों हील शील्ड के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं द शील्ड पिछली बार जब रियूनाइट हुई थी, यानी कि पिछले साल, तो गाइज वहां इंजरीज के चलते कुछ ऐसे इवेंट्स बने, कभी रोमन रेंस बीमार हुए, कभी डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हुए और द शील्ड अलग हो गई। उस समय दोस्तों वो फेस थे, लेकिन इस बार अगर वो फिर से रियूनाइट होते हैं तो वहां माना जा रहा है कि वो हो सकते हैं एज ए हील, जिनकी अगुवाई कर सकता है पॉल हेमन। तो गाइज ये है पूरा का पूरा रूमर, अगर वाकई में सच हो जाता है तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, पूरा रोस्टर एक सदमे में आ जाएगा, क्योंकि द शील्ड जो कि डेब्यू की थी WWE के अंदर वो काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये चीज हो सकती है, और अगर ये चीज होती है तो आप हील शील्ड को देखना पसंद करेंगे या फिर फेस शील्ड को? अपना अपना कमेंट सेक्शन में अलग से देना मत भूले। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।